बेचना ही नहीं है, रख के रखना है 100%। ITC ये भाव में भी नहीं बेचना है, ऐसा नहीं कि 300 आ गया आप क्या ये हो, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, ना 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 सवाल ही पैदा नहीं होता। अभी तो सिर्फ 3 साल की ऊंचाइयों पर, 3 साल की ये ठीक वैसे ही जैसा हमने 90-100 रुपए से 125 रुपए तक आपको एक्यूमुलेशन करने के लिए लगातार बोला वेदांता करिए करिए, BSE 400-500-600-800 रुपए तक लगातार बोला एक्यूमुलेट कीजिए, वैसा ही ITC भी है आपके लिए जो 200 से 225-240 रुपए तक हमने लगातार बोला एक्यूमुलेट कीजिए, अभी कुछ नहीं बढ़ा है, अभी कुछ नहीं, नहीं। और एक तो चीज है तो ITC तो आपको बेचना ही नहीं है, बड़ी मुश्किल से तो खराब बाजार में आपके ढंग में अच्छे, आपके पास ढंग के अच्छे स्टॉक होते हैं और उनको ही बेच देंगे तो कचरा ले लेंगे, एग्जैक्टली, क्योंकि लेना तो है कुछ ना कुछ, ये बेचेंगे तो कुछ और लेंगे, इससे बढ़िया यही रखिए और बेचना बिल्कुल भी नहीं, पहली चीज बहुत क्लियर है, भूल जाइए 6 महीने के लिए और कि मुझे नहीं बेचना, भाव जो भी होने दो, 250 हो जाए, 350 हो जाए, 400 हो जाए, 200 हो जाए, फर्क नहीं पड़ता, पहली चीज। दूसरी चीज जो है डीफो FMCG स्टॉक्स, आज सुबह भी हमने बेटर हाफ शो किया था, बिल्कुल, तब भी हमने कहा कि FMCG स्टॉक्स खरीदने आपको, क्यों खरीदने वो भी मैं बता दूं, जो दिक्कत है ग्लोबल मार्केट्स में ज्यादा है, अमेरिका की इकोनॉमी में ज्यादा है, बाहर के रिसेशन ज्यादा है, हमारी स्ट्रेंथ ये है कि हमारा अपना कंजम्पशन है, अगर हमारा कंजम्पशन बेहतर है तो फिर हमारे लिए हमारे FMCG स्टॉक्स ज्यादा बेहतर है, करेक्ट, और अगर आपको इंडिया स्पेसिफिक पैसा लगाना तो फिर इनमें लगाएंगे ना, सो इसलिए आपको अब भी कोई जल्दबाजी और हड़बड़ी नहीं करनी है, यहाँ पर खरीदारी ही करनी है, बाय एंड डिप्स ही है, इसमें कोई डाउट नहीं, बिल्कुल। और सर मुझे याद है एक तो काफी सारी कंपनीज ने प्राइस हाइक्स ले लिए, दूसरा मुझे याद है रिसेंटली HUL ने कहा था कि हमें वॉल्यूम्स का इतनी टेंशन नहीं है क्योंकि डिमांड आ रही है, हम प्राइसेस मेंटेन करेंगे, मतलब हम अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो हम हाइक भी करेंगे, तो अब उनके मार्जिन, हाँ मार्जिन सुधर जाएंगे इमीडिएटली। अब क्या होगा, जैसे कमोडिटीज के दाम कम होंगे, फॉर एग्जाम्पल आज पाम ऑयल के कम हुए, ये प्रोपोर्शनली नहीं घटाएंगे, एग्जैक्टली ये घटाएंगे नहीं, एग्जैक्टली ये दाम तभी घटाएंगे जब वॉल्यूम हिट दिखेगी और वो अभी दिख नहीं रही, वो अभी नहीं दिख रही, तो जब तक वॉल्यूम हिट नहीं होगी तो ये डबल बेनिफिट लेंगे, एक तो रॉ मटेरियल कॉस्ट कम होने का और दूसरा भाव बढ़ाने का, जिससे मार्जिन सुधर के आएंगे। सो आई थिंक ये एकदम क्लियर कट होल्ड है, इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, अच्छा वक्त आ रहा है, बढ़िया टाइम है, और जिस तरह से कई सालों तक आपका HUL ने इंतजार करवाया, फिर 2-3 साल बड़े गोल्डन रहे, अभी भी चल रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं, वैसे वक्त ITC का आएगा, आएगा, अगर लोगों को लगता है कि आ गया है तो मैं बता रहा हूँ आया नहीं, आएगा, अभी तो शुरू, अभी आना, अभी तो हिला है खाली, हाथी है, हिला है, अभी तो देखिए क्या होता है, दौड़ना बाकी है 100%। चलिए 2:30 बजे